हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है, तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में जो वाईफाई नेटवर्क होता है, तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड की मदद से। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्यूआर कोड की मदद से आप वायरलेस इंटरनेट को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर जाना, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो वायरलेस इंटरनेट को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स है शो हो रही है हमारे फ़ोन में। तो आपको यहाँ से जाना होगा नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे। तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, फिर नेट सॉरी बैक करके फिर आपको जाना है यहाँ से नेटवर्क इंटरनेट पे, जहाँ से आपके पास नेटवर्क कनेक्टेड है और आप किसी और फ़ोन में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना चाहें, तो सिंपली यहाँ से आपको क्यूआर कोड को ओपन करना होगा। क्यूआर कोड ओपन करके आपको सिंपली यहाँ से स्कैन कर लेना है क्यूआर कोड को। जब आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, तो जो नेटवर्क है आपका कनेक्ट हो जाएगा किसी भी दूसरे फ़ोन में, जिससे आप इंटरनेट यूट्यूब चला सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली बैक करके जाना होगा हॉटस्पॉट पे। तो हॉटस्पॉट सेटिंग्स को ओपन करते हैं, तो हमारे पास इसको ऑप्शन ओपन कर लेना है। तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी हॉटस्पॉट की, जहाँ से आप हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही हॉटस्पॉट का क्यूआर कोड भी शो हो जाता है। आप हॉटस्पॉट क्यूआर कोड की मदद से अपने फ़ोन का इंटरनेट भी आप किसी दूसरे फ़ोन में, मतलब इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, जिससे आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं किसी भी दूसरे फ़ोन में, और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंटरनेट के प्रॉब्लम्स को, ऐसे जो भी हमारी वाईफाई नेटवर्क है, क्यूआर कोड की मदद से आप कनेक्ट कर पाएंगे और इंटरनेट चला पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।